जिद न्यूज। कोरोना का प्रभाव कम होते ही सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को खोलने और विद्यालय में शिक्षा दीक्षा शुरू करने की अनुमति दे दिया। विद्यालय क्या खुला, विद्यालय के अध्यापक एक बार फिर पुरानी कार्यशैली को धार देने में जुट गए हैं, जहां सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दिया है। दरअसल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें काफी संख्या में स्कूल ड्रेस पहने कुछ बच्चे रास्ते में जमे खरपतवार को उखाड़ते नजर आ रहे हैं। जब इस वीडियो की पड़ताल किया गया तो वीडियो नरही थाना क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्र सोहाव के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पिपरा कला नंबर 1 का बताया गया। इस मामले पर जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जानकारी ली गई तो वीडियो सही पाया गया, लेकिन विद्यालय के छोटे छोटे मासूम छात्रों पर वेतन लेने वालों की जिम्मेदारी को थोपने के सवाल पर जवाब हैरान कर देने वाला मिला है। यही नहीं, वायरल वीडियो के छात्रों से सफाई करा रहे विद्यालय के हेडमास्टर स्वयं के द्वारा आदेश देते भी देखा जा सकता है। इस मामले पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के जवाब में भले ही सच्चाई झलक रहा हो, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालय प्रशासन क्षेत्र के प्रधान और सफाई कर्मचारी के साथ ही प्रदेश सरकार की योजनाओं पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। अपना परिचय बताएं। मैं मृत्युंजय कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय पिपरा कला नंबर 1 शिक्षा क्षेत्र। सर, एक फेसबुक पर आपका विद्यालय का वीडियो वायरल हो रहा है। यस। जिसमें बच्चों के द्वारा सफाई किया जा रहा हाँ, है। हाँ सर, इस पर क्या कहना है सर? कल मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि प्राथमिक विद्यालय या जो भी विद्यालय शिक्षण संस्थाएँ हैं, मलेरिया डेंगू का जो बुखार चल रहा है वो तेज फैल रहा है, तो इसके क्रम में हमने सफाई कर्मियों को फ़ोन किया कि आप हमारे स्कूल की साफ़ सफाई करो, अगल बगल सफाई करो। एक दिन पहले भी हमने सर कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्रधान से कहिए। जब प्रधान की बात हमने, तो हमने तो नहीं किया, लेकिन खुद प्रधान जी उनके कहने पर फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि हम जहाँ कहेंगे वहीं जाएंगे, आप इसी शिकायत चाहे DM से करिए चाहे किसी भी कर दिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम सफाई करने को नहीं भेजेंगे। तो मजबूरन सर हमने अगले दिन बच्चों से कहा कि हमारे अगल बगल बहुत सारे मच्छर फैल रहे हैं, बच्चे थोड़ा सब लोग सहयोग कर देंगे, श्रमदान कर देंगे तो हम बीमारी से बच सकते हैं, और उन बच्चों को लेकर हमने जो है वो कराया सफाई। जो वायरल वीडियो हो रहा है सर, उस वीडियो में बच्चों सफाई करते दिखाई दे रहे हैं बच्चे, और आप सुपरविजन करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर। तो ये बच्चों का सफाई करना कहाँ तक उचित है सर? हमारे समझ से थोड़ा सा अपने से भी सफाई करना कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग बताया भी जाता है कि श्रमदान या पर्यावरण के तहत हमने फूल भी लगवाए अगल बगल, कई जो फूल लगवाए, पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कार्य अगर बच्चों से हम लेते हैं तो बच्चे से सीखते भी हैं, क्योंकि कल भी हमने पेपर पढ़ा था और शासनादेश भी आया हुआ है कि बच्चों से पौधरोपण कराया जाए, तो पौधरोपण तब हो जाए सफाई रहेगी, घास बाहर रहेंगे। यहाँ सफाई की बात है। हाँ सर, पौधरोपण की बात नहीं करेंगे। एक बच्चे से, नाबालिग बच्चे से आप जो है सफाई? नाबालिग बच्चे सर वो कक्षा 4-5 के बच्चे थे जी, और बच अच्छी तरह से हमने देख लिया था कि वहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, खुद हम खड़े थे, इसलिए हम समझते हैं कि अगर सफाईकर्मी नहीं आ रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए हम इतना काम कर सकते हैं। मतलब आपकी जो गाइडलाइंस मिली हैं नौकरी की, उसमें ये इस बात का उल्लेख है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बच्चों से सफाई अन्य कार्य ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटे मोटे कार्य हम बच्चों से करा सकते हैं, सफाई के लिए कर, सफाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। सर, एक प्राथमिक विद्यालय में देखा जा रहा है कि बच्चों से सफाई का काम कराया जा रहा था स्कूल में, किस स्कूल का मामला है और क्या मामला है? अभी आपके द्वारा ये मैटर संज्ञान में हमारे लाया गया है, ये पिपरा कला सोहाओं का मैटर है जो आपके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो साहब, वीडियो जो आपने भेजा उसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं इस प्रकरण की जांच करवा रहा हूँ कहाँ का मैटर है वास्तव में, और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। क्या कोई इस तरह का मुख्यमंत्री या कोई आदेश है कि बच्चों से साफ सफाई का काम विद्यालय में लिया जाए? नहीं, ऐसा कोई स्पष्ट आदेश वहाँ से नहीं है, लेकिन वर्तमान में डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसके क्रम में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं, हर तरफ सफाई अभियान चालू है, चल रहा है, और बाकी ऐसा कोई स्पष्ट बच्चों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। तो उसे कोई काम कराया जाए सफाई का? जी, थैंक यू।